कल एक बहुत बड़ा आतंकी हमला इंडिया ने देखा। 14 फरवरी यानी कल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान्स का एक कॉन्वॉय पे सुइसाइड बॉम्बिंग अटैक हुआ, जिसमें 49 CRPF जवान्स शहीद हुए। ये घटना जम्मू एंड कश्मीर राज्य के पुलवामा ज़िले के लेथोरा नाम की एक जगह पे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे हुआ था। उसी दिन पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले का जिम्मेदारी दिया, जिसका लीडर है मसूद अजहर। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान का असली चेहरे के बारे में आप लोगों की जानकारी थोड़ा और बढ़ाना, क्योंकि आप लोगों को तो पता है हरामियों का और कोई दूसरा डिस्क्रिप्शन नहीं होता। और हमारे इंडिया में छुपा कुछ पाकिस्तान सिंपथाइजर्स या सहानुभूति रखने वाले, जो कि मेरे मुताबिक सबसे खतरनाक लोग हैं, उन लोगों के बारे में भी आप लोगों को आगाह करना। क्योंकि क्या पता ये लोग आप लोगों के आजू बाजू में ही रहते हो, क्योंकि ये लोग ही आतंकवादी संगठनों का स्लीपर सेल्स के तरीके से काम करते हैं। 2015 से सीज फायर के नाम से पाकिस्तान लगातार इंडिया पे हमले बोला जा रहा है। जैसे 2015 के जुलाई में जम्मू एंड कश्मीर के गुरदासपुर, 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन, फिर उसी साल में पंपोर एंड 2016 में उरी अटैक, जिसमें 19 इंडियन आर्मी सोल्जर्स शहीद हुए थे। और इस बार तो सारी हदें पार कर दी हरामी सुअर पाकिस्तान ने। 14 फरवरी को दोपहर 3:15 को लगभग 78 गाड़ियों की कन्वॉय में 400 किलो आईईडी या इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से भरा हुआ एक महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी ब्लास्ट करवा के पिछले 10 साल का सबसे बड़ा आतंकी हमले ने 49 जवानों की जान ली। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक आदिल अहमद दार उर्फ वाकस कमांडो नाम की 22 साल की एक नौजवान इस हमले का सुइसाइड बॉम्बर था। जवाब में आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडियन आर्मी को सरकार पूरी आज़ादी दे रहा है, वो जब चाहे जैसे चाहे पाकिस्तान से बदला ले सकता है, और इंडिया ने पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस को भी विथड्रॉ कर लिया है। अब बात यह है दोस्तों, इंडिया के ऊपर हर दिन ऐसे हमले होंगे और इंडिया बातचीत करेगा, ये तो अब बंद होनी चाहिए। अब वक्त है डायरेक्ट एक्शन का, सर्जिकल नहीं, डायरेक्ट स्ट्राइक। और हम लोगों को भी बहुत जिम्मेदारी लेना चाहिए और पाकिस्तानी एक्टर्स, सिंगर्स या फिल्म या शो बॉयकॉट करना चाहिए। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हाथ मिला के खाना खा के आए हुए गद्दार लोगों को भी बॉयकॉट करना चाहिए और दिखा देना चाहिए कि दुनिया का तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी को लेके हम लोग पाकिस्तान का नक्शा पूरा दुनिया के नक्शे से मिटा सकते हैं। ये टाइम डेलीगेशन देने का या बातचीत का नहीं है, ये टाइम है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। और भारत में बैठे भारत का खाके भारत का पी के पाकिस्तान को सहानुभूति दिखाने वाले लोगों को लात मार के बॉर्डर से भगा देने का। कोई भी अफवाहों में कान ना दे और देश को सहारा और जवानों को हिम्मत दे और दिखा दे कि अगर इंडियंस की हटी तो सिर्फ आर्मी ही नहीं, हर बच्चा, हर बूढ़े और हर नौजवान सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे, दोपहर का खाना कराची में और रात का इस्लामाबाद में। जय हिंद।